शुक्रवार को गोरखपुर पहुंची किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने शनिवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कनकेश्वरी नंदगिरी द्वारा अक्टूबर माह में बीपीगंज में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसके सफल आयोजन की तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि कनकेश्वरी नंदगिरी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उनका सहयोग करने और कार्यक्रम की रूपरेखा तथा अगले माह के कार्यक्रम के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूर्वांचल में बंद पड़े कई फैक्ट्रियों को चालू कराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने किन्नरों के सम्मान के लिए बहुत से काम किए हैं, जिसको देखते हुए किन्नर समाज 2022 में प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनाने में अपना सहयोग करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कड़ी थी थोड़ी विलंब हुई, लेकिन जो भी बच्चों के सामने उपस्थित थे मीडिया के लोग। नमन सर, कल पूरा दिन मैं प्रातः 3 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक जाग ही रहे थे, पर बैक टू बैक प्रोग्राम होने की वजह से मैं भी थोड़ी अस्वस्थ रह रही हूँ आजकल। मेरी माता जी के जाने के बाद मेरे लेट आने के में आप सबसे मैं माफी चाहती हूँ, आप सभी का कि आप लोग इतनी देर तक मेरे लिए रुके रहे। सारे प्रेस और सबके लिए अपने लिए जोरदार तालियां बजा रहे। मैं किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उर्फ लक्ष्मी नारायण नंदगिरी, मैं और मेरे पूरे अखाड़े के लोग जो समाज 2016 का उज्जैन कुंभ किया, जहाँ पे 10,000 हमारे पूरे भारतवर्ष से किन्नर आए थे, उन्होंने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी पे सुशोभित किया। 2019 में हम जूना अखाड़े के साथ अनुबंध में आए और हमारा एक ही मांग थी कि किन्नर अखाड़ा रहेगा। हम अपनी संस्कृति जो हजारों साल पुरानी गुरु चेला जो परंपरा और जिसके कानून हमारे अपने रूप में है, उसी को लेके हम चलते। किन्नर अखाड़ा में कनकेश्वरी नंदगिरी को उर्फ किरण माई को महामंडलेश्वर बनाया, उसके बाद हमारा कभी आगमन नहीं हुआ। चाहे किन्नर अखाड़े की अध्यक्षा उत्तर प्रदेश कौशल्यानंद गिरी या महामंडलेश्वर और सारे महामंडलेश्वर हमारे कल्याणी जी हैं, कौशल्या जी हैं और हमारा, क्योंकि जब भी किसी को महामंडलेश्वर बनाया जाता है तो हम उसके क्षेत्र में जाते हैं। और अगले महीने कनकेश्वरी नंदगिरी गोरखपुर में और पीपीगंज में हवन करने जा रही हूँ, उसका रूपरेखा। और हमारा आगमन इसके लिए भी था कि बहुत साल हो गए थे और 2 साल तो और भी कोरोना ने ले भी था कि हमारा आना ही नहीं हुआ, तो इस बार कनकेश्वरी जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं उनको सपोर्ट करने के लिए और उनकी पूरी रूपरेखा अक्टूबर का जो कार्यक्रम नवरात्रि की बात होगा उसको पूरा व्यवस्थित ठीक ठाक करने के लिए और एक कमिटीज बनाने के लिए किन्नर अखाड़े की कमेटी जो हमारी गोरखपुर की रहेगी उस सब चीज़ के लिए मैं आएंगे। हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते। अभी हमने कहा जो काम करता है और योगी जी ने काम किया है पूर्वांचल में तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई दूसरा नेता है और अगर वो काम करता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो काम करता है वो करते हैं ना, आप योगी जी को सपोर्ट करोगे? काम तो अच्छा ही कर रहे, तो सपोर्ट की बात नहीं। देखिए हम लोग धर्म के लोग हैं, जब से प्रेस यही पूछता आप किसको सपोर्ट करेंगे, जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उसे सपोर्ट करेंगे और योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया पूर्वांचल के लिए तो हमारा समर्थन है। राजनीति तो क्या आप वोट डालने नहीं जाते हैं? सभी वोट डालने जाते हैं और मैं भी जाती हूँ। मैं धर्म की गद्दी पे हूँ तो क्या मैं अपना डेमोक्रेसिकल राइट में खो बैठी हूँ क्या? मैं भी वोट देने जाती तो मेरा भी पॉलिटिकल व्यू है, जो प्रेस मुझसे पूछ रहा है उसका भी पॉलिटिकल व्यू है। और आप कह दे कि आप लोगों का पॉलिटिकल व्यू नहीं है तो मैं पॉलिटिकल व्यू अपना भी नहीं रखूंगी। तो ये तो सबका एक बराबर का पॉलिटिकल व्यू रहता है, चाहे मेरा हो। कल के दिन अगर
हमारी कल्याणी को कांग्रेस का कोई व्यक्ति अच्छा लगे या सपा का अच्छा लगे तो वो हमारे अखाड़े में से भी लोग अलग अलग बटे पूरी इंडिया में जो है, कोई बीजेपी में है, कोई आम आदमी पार्टी में है, कोई हमारे कांग्रेस में है, हमारी एक महामंडलेश्वर महाराष्ट्र में कांग्रेस की प्रदेश सचिव बनी हुई है, तो हमारे अखाड़े में सभी पार्टी के लोग हैं, अपना अपना मनोवक्त है। तो मैं पूर्वांचल से हूँ और अगर मैं पूर्वांचल में वोट देने आऊंगी तो मुझे, मैंने अपना मनोगत व्यक्त किया, पूरा तो किन्नर अखाड़ा पूरा समर्थन करते हैं योगी जी को। हाँ स्पष्ट है, पूर्वांचल में बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियां उन्होंने चालू करवाई, आज पूरा जो उन्नति हो रही है, रोड्स पहले कितने छोटे छोटे थे, आज के 6 साल पहले के देखिए हाल क्या था और अब हाल देखिए, तो बहुत बदलाव है ना। लोग फाटक के ऊपर खड़े रह जाते थे, प्लेन ऊपर आसमान में देखते थे कि उड़ गई, आज उसके लिए उन्होंने अलग से सबवे बनाया है, तो थिंग्स आर चेंजिंग। आपको लगता है योगी जी ने विकास किया है? हाँ हमें लगता है, आपको नहीं लगता है? कह दीजिए, आप लोगों को नहीं लगता है? और हमारे लिए तो और भी अच्छा काम किया किन्नर समाज के लिए, वो मराठी में पुश्तैनी जायदाद में किन्नरों को हक दिया, सबसे पहला स्टेट है पूरे भारतवर्ष में, पुश्तैनी में उन्होंने सबसे पहला मेट्रो स्टेशन वो बनाया जहां पे सिर्फ ट्रांसजेंडर लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड किया। तो जो अच्छा काम करेगा तो उसको सैल्यूट है ही ना भाई। तो योगी जी कर रहे हैं, उन्होंने पूरे पूरे प्रदेश के किन्नरों के लिए, जिनके माँ बाप उनको बाहर निकाल देते थे, भाई भतीजे उनको घर में अंदर आने नहीं देते थे, उन्होंने पूरा कानून बनाया कि उनकी पुश्तैनी जमीन में किन्नर, अगर बच्चा किन्नर भी हो जाए या ट्रांसजेंडर भी हो जाए, उसको पैतृक संपत्ति में उसका भी हक है। इससे पूरे इंडिया में कहीं नहीं है ये, तो योगी सरकार ने किया तो साधुवाद है। हम तो आईना देखेंगे तो अपना चेहरा पहले देखेंगे, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। जय श्री महाकाल।